नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 10 जून गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुजरात के कांडला पोर्ट से बांदका की एक कुरकुरे फैक्ट्री में पाम ऑयल ले जा रहा टैंकर जेथल पुलिया के पास पलट गया। टैंकर पलटने के साथ तेल बह निकला और इसे लूटने के लिए लोगों की होड़ लग गई। लोग बाल्टी, टंकियों और बोतलों में तेल भरकर ले गए। बीच सड़क पर टैंकर पलटने से आगर रोड पर लंबा जाम भी लग गया। जानकारी के अनुसार टैंकर के सामने अचानक एक कार आ गई थी। इसे बचाने के लिए टैंकर चालक ने वाहन को थोड़ा घुमाया, लेकिन स्पीड ज्यादा होने से यह स्लिप होकर पुलिया से टकरा कर पलटी खा गया। नीचे गिरते ही टैंकर का ढक्कन खुल गया और तेल सड़क पर बहने लगा। लोगों ने मौके का फायदा उठाया और तेल की लूट मचा दी। टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, तहसीलदार शिवराम कनासे और SDM गोविंद दुबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। हादसे के कारण सड़क पर तेल ही तेल फैल गया और वाहन स्लिप होने लगे, इस वजह से जाम भी लग गया। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाकर सड़क की धुलाई कराई गई। इसके बाद वाहनों को धीरे धीरे निकलवाया गया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि टैंकर पलटने से जाम लग गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले लोग तेल ले गए थे, बाद में व्यवस्था ठीक कर दी गई। कच्छ से एक तेल का टैंकर आ रहा था और पिपलई में एक कुरकुरे की फैक्ट्री है, वहाँ पर जा रहा था। कार वालों को बचाने में डिसबैलेंस हुआ है और टैंकर पलट गया है। सारी व्यवस्था बना दी गई है, अब ट्रेन आके इसको जल्दी से शॉर्ट आउट करके रास्ता क्लियर करवाएंगे। कुछ गांव के लोग आ गए थे जिनको ऐसा लगा कि खाने का तेल है, तो वो ले रहे थे। हमारे आने के बाद सारी व्यवस्थाएं सही कर दी गई। गढ़कालिका स्थित बगलामुखी माता मंदिर में 7 जून को तड़के अज्ञात बदमाश देवी प्रतिमा का मुकुट चुरा ले गए। CCTV फुटेज में बदमाश कैद हुआ है। रात 3:58 पर शूट हुए 32 सेकंड के वीडियो फुटेज में मुकुट चुराने वाला बदमाश मुंह पर मास्क और सिर पर गमछा लपेटे दिख रहा है। हरी पैंट पर हल्का बादामी कुर्ता पहना यह बदमाश मोटा तगड़ा है। वह मुकुट को खींचकर कुर्ते की जेब में रख रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक विजय भट्ट ने बताया कि चोरी गया मुकुट चांदी का था और उसका वजन 450 ग्राम के करीब है। मुकुट के अलावा अन्य गहने भी चोरी गए हैं। इनकी कीमत करीब 10,000 रुपए है। कुल 60,000 रुपए के गहने चोरी हुए हैं। जीवाजीगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी गगन बादल मंदिर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पवित्र स्थल, इतना तीर्थ स्थल जहां पर लोग भक्ति भाव की भावना लेकर पुण्य कर्म करने आते हैं, वहां पर ऐसी दूषित और ऐसी गंदी भावना लेकर भी लोग आते हैं कि जो माता जी के ऊपर चढ़ाए हुए श्रृंगार को, माता जी के ऊपर चढ़ाए हुए गहनों को चुरा कर ले गए। हमें इतना बेहद दुख है, माता जी का श्रृंगार हुआ था और उनका जो एक मुकुट था चांदी का, उनके करीब वो 350 से 400 ग्राम का, उसके बाद उनके सो सारे गहने, जो गले का हार, कंगन, बिछुड़ी वगैरह और जो भी थाली में पैसे वैसे श्रृंगार सामग्री सारी वो चोरी करके ले गया। करीब मुकुट है 450 ग्राम के आसपास का, जो समझ लीजिए आप 35 से 35,000 रुपये का तो मुकुट ही है। बाकी दूसरे गहने 10,000 रुपये के, उनके हार कंगन वगैरह ये सारे, और थोड़ी बहुत दक्षिणा वगैरह और उनके गहने हैं। अभी अनुमानित हम बता सकते हैं कि 50 से 75,000 रुपये के गहने उनके वो चुरा कर ले गए। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माँ बगलामुखी धाम मंदिर है, भैरवगढ़ रोड के ऊपर है, नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। 7 तारीख की शाम को एक व्यक्ति दर्शन के उद्देश्य से यहाँ पर आता है और मुकुट निकाल के यहाँ से चोरी करके ले जाता है, और इसके संबंध में जीवाजीगंज पुलिस जांच कर रही है और आरोपी के वीडियो फुटेजेस भी, जो कि मंदिर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए स्पष्ट वीडियो फुटेज मिले हैं। अज्ञात व्यक्ति के सिर पे कपड़ा बंधा हुआ है, मुंह पे मास्क है, उसकी पहचान की कार्रवाई की जा रही है। कायथा पुलिस ने लक्ष्मीपुरा फंटे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। फंटे पर कायथा पुलिस के जवान जांच कर रहे थे, इस दौरान पल्सर मोटरसाइकिल से एक युवक आता दिखा। उससे गाड़ी के कागजात मांगे तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। पूछताछ के लिए युवक को थाने लाए तो उसने मोटरसाइकिल चुराना कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने 2 और मोटरसाइकिल चुराई है। आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत, आरक्षक तुलसीराम, सैनिक लाखन, राहुल घासीराम एवं मांगीलाल की भूमिका सराहनीय रही। इंदौर की जवाहर टेकरी के रहने वाले बाइक सवार दो युवकों को तपोभूमि मोड़ पर कार ने टक्कर मार दी।
हादसे में एक युवक घायल हुआ है। रज्जू बड़ोदिया और दुली चंद उज्जैन के मायापुरी में बारात में शामिल होने आए थे। बारात से विदाई के बाद ये बाइक से इंदौर लौट रहे थे। तपोभूमि मोड़ पर बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए यह जैसे ही मुड़े, इंदौर तरफ से तेजी से आ रही आर्टिका कार क्रमांक MP13 CB2546 ने बाइक के अगले पहिए पर सीधी टक्कर मार दी। हादसे में दूली चंद बाइक से उछलकर दूर जा गिरा। उसके कान के भीतर चोट आई। रज्जू बड़ोदिया को चोट लगी है। पुलिस ने नंबर के आधार पर कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। शादी से घर जा रहे थे, विदाई हुई थी हमारी, तो शादी से घर जा रहे थे हम। पेट्रोल के लिए गाड़ी घुमाई थी हमारी, तो सामने से कार आ रही थी तेज गति में, इंदौर की तरफ से। तो जैसे हमने गाड़ी रोकी और कार वाले ने अगले टायर में टल्ला मार दिया। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल, यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाहजहाँपुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगर गांव, देवास उज्जैन हाईवे, 7272426514 और 7024107416। शहर में गुरुवार को शनि जयंती मनाई गई। कोविड काल होने से बड़े कार्यक्रम तो नहीं हुए, लेकिन मंदिरों में पंडे और पुजारियों ने शनि पूजन किया। इस दौरान शिप्रा नदी में लोगों ने डुबकी भी लगाई। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि का जन्मदिन माना जाता है। हर साल यूं तो धार्मिक नगरी में शनि जयंती की धूम रहती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड के कारण केवल परंपरा निभाई जा रही है। गुरुवार को भी रामघाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया और घाट के शनि मंदिर के दर्शन किए। आज से ही शिप्रा तट पर गंगा दशहरा महोत्सव भी शुरू हुआ। तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी ने बताया कि शनि जयंती पर तालाब, सरोवर और नदियों में स्नान का महत्व है। आज दो पर्व, शनि जयंती और अमावस्या एक साथ है। आज से ही रामघाट पर शिप्रा गंगा दशहरा उत्सव शुरू हो रहा है। हम माता शिप्रा और गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कोविड से संसार मुक्त हो। कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की आज जो अमावस्या का जो महापर्व काल है, आज दो पर्वों को लेके आया है। आज के दिन भगवान शनि देवता का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शनि जयंती का महापर्व है। आज अमावस्या पर्व काल में विशेष रूप से ग्रहों से संबंधित या पितृ से संबंधित जो कष्ट पीड़ा बाधाएं होती है उससे मुक्ति निवारण का एक महत्व माना जाता है। लेकिन आज शनि जयंती होने के साथ साथ जो भी शनि की 7.5 या ढैया से ग्रसित है या उनके शारीरिक कोई कष्ट पीड़ा है, तो आज के दिन तीर्थ पे, सरोवर में या किसी देवालय में जाकर स्नान पूजन इत्यादि करते हैं से शनि से संबंधित जो कष्ट पीड़ा है बाधाएँ मुक्त होती है। रामघाट पर कोरोना काल को दृष्टिगत देखते हुए आज शनि जयंती पर्व काल और अमावस्या पर्व काल में श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन कोरोना काल होने के कारण श्रद्धालुओं की उपस्थिति यहां कम है और यहां पर जो है प्रशासन ने गाइडलाइन की व्यवस्था को देखते हुए कम संख्या में, सीमित संख्या में स्नान की और यात्रियों को दर्शन पूजन की व्यवस्था करी है। आज से जो है यहाँ पर शिप्रा गंगा का 10 दिवस उत्सव भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो गंगा उत्सव, गंगा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो रामघाट पर हमारे तीर्थ पुरोहित, पुजारी, पंडों के द्वारा जो गंगा उत्सव की जो प्रारंभता हो रही है उसका भी हम माता शिप्रा जी से प्रार्थना करके 10 दिवस के उत्सव के आनंदित की प्रार्थना कर रहे हैं और माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले पर्व त्यौहार आनंदित रूप से मने और कोरोना से जो हमारा विश्व देश जो ग्रसित है वो मुक्त हो और आने वाले ऐसे पर्व खूब आनंदित रूप से मने, जो यहाँ पर एक आनंद का उत्सव बरसता रहता है। विधायक निधि से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में विधायक दिलीप गुर्जर ने सिविल अस्पताल में 5 बेड की ICU का शुभारंभ किया। अब सिविल अस्पताल में गंभीर मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक गुर्जर ने आने वाले समय में चिकित्सा स्टाफ बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। अस्पताल प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मरीज को रेफर करने की जगह यहीं उपचार दिया जाए। अस्पताल की अन्य जरूरतों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया है। जो भविष्य में किसी लहर आने की आशंका है उसके मद्देनजर पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। 25 बेड अभी हमने और बढ़ाया है, उसको भी हम ऑक्सीजन में बेड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये बेड 100 बेड का
ऑक्सीजन बेड का सेंटर मजबूत अस्पताल रहे, जिससे कि शासन ने बढ़ावा और चापा जिला में 10 बेड के ऑक्सीजन बेड बनाने के लिए राशि की सुविधा के लिए बेड भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो हम सबका एक दायित्व कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़े। आज आईसीयू के बेड आए हैं और 5 अभी मंत्रियों से भी आए हैं, तो ये अच्छी सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र है ये आसपास में ज़्यादातर, इसलिए उनके लिए बेहतर सुविधा है, आगे और सुविधाओं का विकास होगा ऐसी मुझे आशा है। तो हमारा तो यही प्रयास है कि और अच्छी सुविधाएं हम दे सकें, और हमारे आदरणीय विधायक हो रहे और जो भी प्रशासन शासन की जो भी सेवाएँ मिल रही है, हम उसको और अच्छे ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12-80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। कोरोना वैक्सीन के लिए अब ग्रामीण भी सचेत हो रहे हैं। गोगापुर की पोरवाल धर्मशाला में लगे वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत सचिव राधेश्याम सिसोदिया ने बताया कि सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वैक्सीन लगाई गई। 18 से 44 साल के लोगों ने वैक्सीन लगवाने में बड़ी दिलचस्पी ली। 100 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, इसके प्रति कुछ भ्रामक अफवाहें चल रही थी कि इसकी वजह से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, फोर व्हीलर्स, गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्याखेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।